बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं बिल्कुल ठीक और अल्लाह ताला आपको रखे अपने ज़ुमान में। आज हम लेके हैं जी मटन का यखनी शोरबा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी और बिल्कुल बासानी ये बनने वाला ये सालन, बहुत ही अच्छा और ये कुछ फुलकों के साथ ये इतना टेस्टी लगता है ये यखनी वाला शोरबा कि आप एक दफ़ा बना लेंगे तो इंशाल्लाह यही बार बार ज़रूर बनाएँगे। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस यखनी वाले शोरबे को आप चाहे मटन बनाएं या बीफ बनाएं, आप इस तरह का शोरबा बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगा। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने करना है जी प्याज हमने डाला है, ये 3 पाव के करीब था मेरे पास ये मटन था और ये तकरीबन 3 प्याज थे दरमियाने साइज़ के, और इसको मैंने गोल्डन कर लेना है, लाइट गोल्डन करेंगे और साथ इसमें डाल देंगे जी हम लहसुन। लहसुन को भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे और अदरक को भी थोड़ा फ्राई करेंगे। ये हमारा प्याज लहसुन और अदरक हो गया है, फ्राई हो गया। अब साथ ही हम डाल देंगे टमाटर, इसका हमने मसाला नहीं बनाना बस जस्ट हमने इसको प्याज को और लहसुन अदरक को फ्राई करना था। अब हमने टमाटरों को कोई गलाना नहीं, कोई भूनना नहीं, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें ये गोश्त डाल देंगे मटन का। और साथ ही हमने डाल दिया है जी पानी, पानी हमने ज़्यादा डालना है क्योंकि इसमें जो पानी निकलेगा यानी कि यखनी निकलेगी उसी का हम शोरबा करेंगे। और ये सारी चीज़ें डालने का मकसद ये है कि ये जो मटन है इसके अंदर मिर्च नमक और हल्दी वगैरह सबका टेस्ट अच्छे से ये समा जाएगा। 2 चम्मच हमने डाले हैं जी ये सुरख मिर्च के, 1 चम्मच भर के डाला है हमने टेबलस्पून नमक का, दालचीनी के ये पीस, हल्दी, और ये गोश्त को हमने गला लिया है जी तकरीबन 15 मिनट से हमने गला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पानी। अच्छा अगर तो आपका प्याज रेड वाला तो आप इसको ग्राइंड कर लें, ये हमारा प्याज ये वाइट वाला ही था, ये इसने ऐसे ही मेल्ट हो जाना है इसके अंदर ही, ऐसे ही हमने इसको भून लेना है। और थोड़ा सा हमने डाल दिया, थोड़ा सा हमने डाला है ऑयल, और साथ ही हमने डाल देने आलू। आलूओं के साथ बनाई करेंगे तो आलूओं में भी अच्छी तरह जो नमक मिर्च है अच्छी तरह समा जाएगा। इसको आप तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह अच्छे तरीके से भूनें ताकि जो आलू है इसके अंदर भी नमक मिर्च अच्छी तरह से समा जाए। और आपने मटर और थोड़ा सा दही डालना है ज़्यादा, इसलिए कि शोरबा थोड़ा खटास में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना शोरबा आपका फीका फीका बनेगा। और यखनी का शोरबा जो वो तो लाजवाब बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, चाहे आप इसे ज़्यादा पतला भी कर लें तब भी ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और थोड़ा सा अभी इसको पकाएंगे क्योंकि ये यखनी है, हमने इसको में कोई और ज़्यादा पानी नहीं डाला जो कच्चा रह जाएगा। अब हम डालेंगे जी दालचीनी पाउडर, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, यानी कि ये सारे मसाला जो हम बाद में डालेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है बरकरार रहे। और आप प्लीज़ हमारा हौसला अफज़ाई ज़रूर किया करें क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, और आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, और साथ कमेंट्स भी कर दें क्योंकि इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, और आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारा बन जाएगा काम।